अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। दोस्तों ये चेक करें, आज मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट करा है, सारी चीज़ें ख़रीद के, और मैंने कहा नाश्ता ख़ुद से बनाते हैं। डे 9 है आज मेलबर्न टू ब्रिस्बेन का रोड ट्रिप का, और मैं एक बहुत खूबसूरत टाउन में हूँ, कॉफ हार्बर इसका नाम है। और चेक करें आप क्या यहाँ की एटमोसफेयर है। साथ में जी पैनकेक्स बनाए, थोड़े से अंडे बनाए हैं, थोड़ा सा चिकन ले आया था, ये लिली डेल का हलाल होता है, और उसके साथ अब चाय बनाने का प्रोग्राम है, चाय के लिए भी सारा सामान रेडी है। तो अभी ये इन्जॉय करते हैं व्यू के साथ और फिर चलते हैं आगे, आपको कॉफ हार्बर दिखाते हैं। स्टे ट्यून जी। दूसरे स्टॉप पे आ गए हैं दोस्तों, इस जगह का नाम है कॉफ हार्बर बीच है मेरे सामने, पीछे आप देख सकते हैं बड़े खूबसूरत माउंटेंस हैं, और ये लेफ्ट हैंड पे जेटी है। इस जगह पे बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, कुछ फ्रेंड्स के साथ, कुछ खुद भी यहाँ पे आया हूँ मैं, कई दफ़ा आ चुका हूँ, और जब भी ब्रिस्बेन ड्राइव करके जाता हूँ इस जगह ज़रूर रुकता हूँ। बहुत ज़बरदस्त वॉक है जो कि एक आइलैंड पे लेके जाती है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, ये जो रास्ता है, और उस जगह का, उस आइलैंड का नाम है मटन बर्ड आइलैंड, और ऊपर से वहाँ से एक छोटी सी हिल बनी है, वहाँ से बहुत खूबसूरत व्यू आता है, वो भी मैं ऊपर जाके आपको दिखाऊँगा। कॉफ हार्बर में वेदर बहुत अच्छा होता है, वार्म है, इस वक्त अभी 28 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। शावर वगैरह लिया है, आपको नाश्ता दिखाया था, नाश्ता किया है, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा खुद से करने का। कभी कभी मैं कोशिश करके कर लेता हूँ, वरना चाय शाय तो बना ही लेता हूँ। तो खैर चलते हैं और आपको फिर ऊपर जाके व्यू दिखाते हैं। फाइनली दोस्तों तकरीबन 20 मिनट की हाइक है, ऊपर आके ये जी व्यू नज़र आता है, ये जेटी है कॉफ हार्बर की। ऑस्ट्रेलिया में वन ऑफ द प्रीटीएस्ट जेटीज कहते हैं इसको। इसकी वजह ये है कि इसके जो पीछे व्यूज़ हैं, क्लियर क्रिस्टल वाटर है, इसके साथ ये जो वॉक है, और ये जो हाइक ऊपर आके जो इसका व्यू है, ये बहुत खूबसूरत है। देखिए इसके साथ एक और ट्रैक जा रहा है इस साइड पे, और वो हिल के दूसरी साइड पे जा रहा है, तो वहाँ जाके आप वॉक करके उस साइड से भी व्यू देख सकते हैं। तो लेट्स स्पेंड अ बिट टाइम हियर, फिर चलते हैं नीचे, फिर आपको नेक्स्ट स्पॉट पर भी दिखाता हूँ। तो जी नेक्स्ट स्टॉप पे पहुँच गए हैं नॉर्थ कोस्ट रीजनल बोटैनिकल गार्डन, ये कॉफ हार्बर में है। इट्स अ वेरी नाइस बोटैनिकल गार्डन, और काफ़ी खूबसूरत इसमें स्पॉट्स हैं। एक जापानीज़ गार्डन है यहाँ पे बहुत खूबसूरत, वो दिखाता हूँ, कुछ अलग पार्ट्स भी आपको यहाँ दिखाता हूँ। जी छोटी सी इसके साथ क्रीक बनी हुई है, जिसके साथ एक वॉक है, बहुत खूबसूरत है, और बड़ी क्वाइट, और आई वुड रिकमेंड कि इसके अंदर ना जाए, मोस्ट लाइकली क्रोकोडाइल्स वगैरह होंगे, तो जस्ट स्टे ऑन द पाथ। ये जी है दोस्तों जो गार्डन का मैं आपको बता रहा था, जापनीज, एंड जस्ट लुक एट दैट, इट्स रियली प्रीटी। ये जी लास्ट पाथ है, मैंने कहा ये भी दिखाएं, छोटा सा इन्होंने क्रीक बनाया हुआ है, और बहुत ही सूदिंग और बड़ा काम सी एक जगह है। चलें खैर अब चलते हैं अगले स्टॉप पे, तो आपको अगली जगह दिखाता हूँ। सर जी बीच पे पहुँच गए, यहाँ पे भी आपको ज़्यादातर सिख ही लोग नज़र आएंगे, ये बहुत पॉपुलेटेड, सिख पॉपुलेटेड जो है सिटी है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग।